महाराज जी, काशी की लड़ाई अभी जारी है, इस बीच मथुरा पर आपके बयान से मामला गर्मा गया है, मथुरा को लेकर क्या मांगे आपकी? देखिए, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ पर हम सभी सनातनियों के भगवान का प्राकट्य हुआ था। 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, और जिस जगह पर इसका भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, उस जगह पर औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा कर ईदगाह बनवा कर हम सभी लोगों को, सनातनियों को अपमानित किया। तो हम यही चाहते हैं कि उसकी भी काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ पर भी जांच हो जाए, और हम सब सनातनियों को पता चले कि, और हम सभी को मौका अवसर मिले कि हम जाके अपने प्रमुख देवता के प्रमुख स्थान पर सेवा पूजा कर सकें, दर्शन कर सकें। ये आप जन्म स्थान के बीच आगरा की जामा मस्जिद की बात करके एक अलग लड़ाई शुरू कर रहे हैं, ये क्या इस माहौल में उचित है? नहीं, माहौल की तो बात ही नहीं है। माहौल आज से 10 साल बाद कैसा होगा, और 15 साल चले जाएंगे तो फिर कैसा होगा, और शायद 20 साल बाद तो आप मुझसे क्वेश्चन ही ना कर सकें ऐसा जो अभी आप पूछ रहे हैं। तो ये माहौल की बात नहीं है। माहौल यह है कि जिन लोगों ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ में हमारे मंदिर को तोड़ा और भगवान केशव जी को ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, ऐसा मैं नहीं, मुसलमान इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है। अगर ये सत्य है तो हम सब सनातनियों के साथ अभी तक अपमान हो रहा है, हम सभी का, हमारे इष्ट का अपमान हो रहा है, हम सब की भावनाओं का अपमान हो रहा है। तो हम किसी का अपमान थोड़ी करना चाहते हैं, हम किसी को दुख थोड़ी देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो वहाँ पता चले, सीढ़ियों की चेकिंग हो जाए, और आजकल तो ऐसी मशीन है जहाँ सब तोड़फोड़ भी नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से ही पता चल जाएगा। तो इसमें माहौल थोड़ी ना, माहौल तो अच्छा होगा, बल्कि हम सब भाई प्रेम से रह पाएंगे, अपने सम्मान के साथ रह पाएंगे। तो ये लड़ाई मथुरा अयोध्या काशी तक ही सीमित रहेगी या फिर और भी मंदिर हैं? देखिए, हम कोई राजनेता तो है नहीं, हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण की कथा करने वाले, शिव की कथा करने वाले, राम की कथा करने वाले लोग हैं, और भारत की जनता हमसे थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है, वो प्रेम करती है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, राम कृष्ण और शिव ये हमारे प्राण हैं, इनका सम्मान हम सनातनियों का सम्मान है। तो इन 3 जगह को जैसे बर्थ प्लेस नहीं बदला जा सकता, कोई जन्म स्थान कैसे बदलेगा, जन्म स्थान थोड़ी बदला जा सकता है। ये 3 जगह हैं, ये 3 जगह तो हमको चाहिए ही चाहिए और होनी भी चाहिए, है ना। इसमें अधिकार नहीं है, हमारे सम्मान की बात है, हमारे धर्म की बात है, इसलिए बहुत जरूरी है।